नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है। शाम होते ही हमें चटपटी चीजें खाने के लिए बहुत ही क्रेविंग्स होती है और कचौड़ी तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। आज मैं आपके साथ में सूजी की कचौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हमने स्टफ करके बनाया है, जिसका स्वाद लाजवाब है। तो चलिए सूजी की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए पहले हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 2 कटोरी पानी डाल देती हूँ। आपके घर में जो भी कटोरी हो वो नाप से आप ये रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। मैं पानी को गर्म करने के लिए रख देती हूँ। स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का इस कचौड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और इसे उबाल लेती हूँ। पानी उबल चुका है, अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी सूजी डाल देती हूँ। जो नाप से हमने पानी लिया था वही कटोरी के नाप से मैंने 1 कप सूजी ली है। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी डालने के बाद में हमें इसे मीडियम आंच के ऊपर कुक करूंगी। ये देखे दोस्तों, मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। जब मिश्रण इस प्रकार से गाढ़ा होने लगे तभी हम इसमें तेल डालेंगे और सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। ये देखे फ्रेंड्स, ये सारा मिश्रण अच्छे से साथ में घूमने लगा है। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। जब इस प्रकार से मिश्रण तैयार हो जाए तब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और मिश्रण ठंडा हो चुका है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस प्रकार करने से डो एकदम स्मूथ और बढ़िया तैयार हो जाएगा। सूजी का आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे मैं ढक के साइड में रख देती हूँ और इसका मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून तेल ले लिया है। इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। 1 टीस्पून जीरा, जीरा भून चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे प्याज जल्दी कुक हो जाएंगे। अब मैं प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेती हूँ। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून बॉईल किए हुए मटर डाल देती हूँ, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 कप बारीक कटा हुआ धनिया। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेती हूँ। सारा स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप बॉईल किए हुए आलू डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये स्टफिंग का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप चाहें तो इसे पराठे के अंदर स्टफ करके भी खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। कचौड़ी के लिए जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुका है। अब मैं कचौड़ी बना लेती हूँ। सूजी का जो आटा है उसमें से मैं पेड़े तैयार कर लेती हूँ। जो पेड़े हैं उसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे और उसके अंदर हमने जो अभी स्टफिंग तैयार किया है उसे रख देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से पैक कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल आप वही प्रकार से इसे तैयार कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी कचौड़ी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी कचौड़ियां तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी कचौड़ियों को स्टफ करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसे तल लेती हूँ। मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गरम हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों, ये तेल गरम हो चुका है। अब मैं कचौड़ियों को तल लेती हूँ। जब एक साइड से कचौड़ी अच्छे से तल जाए तब मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरी साइड भी इसे तल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी क्रिस्पी करारी कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारी और अंदर से एकदम सॉफ्ट कचौड़ी है।
बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी कचौड़ियाँ तल लेती हूँ। हमारी सूजी की कचौड़ी तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैं एक डिप सर्व करती हूँ, वो बना लेते हैं। मैंने आधा कप मेयोनीज लिया है। मैंने यहाँ पे प्लेन फ्लेवर की मेयोनीज ली है। आधा टेबलस्पून रेड चिली सॉस, एक टेबलस्पून टमाटो केचप। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा डिप बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये कचौड़ी के साथ में ये डिप बहुत ही बढ़िया लगता है, आप इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। मैंने कचौड़ी को डिप के साथ सर्व किया है। दोस्तों, ये शाम को चाय के साथ में अगर आपने इसे सबको बना के सर्व किया तो सबको बहुत पसंद आएगी। हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस सूजी की कचौड़ी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।